हेलो फ्रेंड्स, डेली हिट टिप्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है बेबी पाउडर के इतने फायदे जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ फ्रेंड्स, बेबी पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादातर हर उस घर में मौजूद होता है जहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं। वैसे छोटे बच्चों की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो ऐसे में उनके लिए हमेशा बेबी पाउडर का ही यूज़ करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पाउडर में कोई केमिकल्स नहीं होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की स्किन को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, इसके अलावा ये बेबी पाउडर बच्चे के साथ साथ आपके भी काफ़ी काम आ सकता है। आप थोड़ा जानकर हैरान हो गए ना फ्रेंड्स, लेकिन ये सही है। आइए जानिए कैसे आप इस बेबी पाउडर का यूज़ अपनी छोटी छोटी ब्यूटी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। तो सबसे पहला फ़ायदा फ्रेंड्स, आपके मेकअप को लंबे वक्त तक टिकाए रखने के लिए बेबी पाउडर आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, जिन महिलाओं की पलकें हल्की होती हैं उन्हें इस पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मस्करा लगाने से पहले अगर आपके पलकों पर थोड़ा सा बेबी पाउडर लगाएंगे तो पलकें घनी लगेंगी। जी हाँ, साथ ही होठों पर लिपस्टिक अधिक समय तक लगी रहे, इसके लिए लिपस्टिक का एक कोट लगाकर होठों पर थोड़ा सा पाउडर लगाना चाहिए। इसके बाद दोबारा लिपस्टिक लगाएं, जिससे कि ये काफ़ी समय तक लगी रहेगी। दोस्तों, क्या आपके ड्रेस पर भी तेल के धब्बे लग गए हैं? जी हाँ, अगर आपकी पसंदीदा ड्रेस पर तेल के दाग धब्बे लग जाए तो भला कौन परेशान नहीं होगा। अगर आप भी परेशान हैं तो ऐसे में आप परेशान ना हो, क्योंकि बेबी पाउडर आपकी इसमें बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आप दाग पर ज़्यादा मात्रा में पाउडर छिड़क कर छोड़ दें, उसके एक घंटे बाद आप इस ड्रेस को धो लीजिए, इससे उस पर लगा दाग चले जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला फ़ायदा है चिपचिपे बालों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके सिर की त्वचा से तेल ज़्यादा निकलता है तो इससे बाल काफ़ी चिपचिपे हो जाते हैं और इस वजह से आपके बाल काफ़ी ख़राब नज़र आते हैं। इस समस्या से बचने के लिए आप बालों की जड़ों पर बेबी पाउडर को छिड़क दीजिए, इससे बालों की जड़ों से निकलने वाले ऑयल को पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा और बाल अच्छे दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट वाला फ़ायदा ये है कि ये हमारे किताबों में सीलन को हटाता है। जी हाँ, बारिश में किताबों के शौकीन किताबों को सीलन से बचाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। सीलन लगी किताबों के पन्नों के बीच पाउडर डालकर किताब को किसी पेपर बैग में डालकर रख दीजिए, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि सारी सीलन कहीं छुमंतर हो गई हैं। दोस्तों, क्या आपके किचन में भी चींटियों का बिल है? तो ऐसे में आप बेबी पाउडर को उस बिल में डाल दीजिए और इसे ब्लॉक कर दीजिए। चींटियाँ इसके सेंट से चिढ़ती हैं और इसीलिए तुरंत वहाँ से भाग जाएंगी। दोस्तों, बेबी पाउडर हमारे पैरों की दुर्गंध को करता है दूर। जी हाँ, तेज़ गर्मी की वजह से पैरों में पसीना आने लगता है। अधिक देर तक चप्पल या फिर जूते पहनने से पैरों में बदबू भी आने लगती हैं, इसीलिए पैरों की बदबू को दूर करने के लिए आप अपने जूते में बेबी पाउडर का छिड़काव कर लीजिए, इससे पैरों की बदबू दूर हो जाएगी। साथ ही इससे आपके पैरों में आने वाला पसीना भी दूर हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, पैरों में लगी रेत यानी कि मिट्टी को भी आप हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप समुद्री इलाके में घूमने जा रहे हैं तो आपके साथ आप बेबी पाउडर का डिब्बा ले जाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर चिपकी रेत हट जाएगी। फ्रेंड्स, बेबी पाउडर ग्लव्स को चिपकने नहीं देगा। जी हाँ, घरेलू कामकाज के दौरान ग्लव्स पहनते हैं, लेकिन ग्लव्स पहनने और निकालने में पसीने छूट जाते हैं। अगली बार ग्लव्स पहनने से पहले अपनी उंगलियों के बीच पाउडर छिड़क लीजिए, पहनने और निकालने में आपको काफ़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स, बेबी पाउडर पसीने की बदबू को करता है दूर। अक्सर होता यह है कि गर्मियों में हर कोई पसीने की बदबू से परेशान रहता है। कई बार तो इस पसीने के निकलने की वजह से हमारे कपड़ों पर भी दाग पड़ जाते हैं। ऐसे में बेबी पाउडर लगाने से पसीना सूख जाता है, साथ ही आपके शरीर में आने वाली पसीने की बदबू भी दूर हो जाएगी। वैक्सिंग के दौरान हेल्प करता है बेबी पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, होता ये है कि वैक्सिंग का नाम लेते ही उससे जुड़ा दर्द याद आ जाता है, लेकिन बेबी पाउडर का इस्तेमाल आपका ये दर्द कम कर सकता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए आप वैक्सिंग करने से पहले थोड़ा ज़्यादा मात्रा में बेबी पाउडर लगा लीजिए। पाउडर आपकी स्किन से नमी सोखकर वैक्सिंग को आसान बनाएगा, जिससे कि दर्द कम होगा। फ्रेंड्स, कई बार महिलाओं के गले की चेन में गांठ पड़ जाती हैं या फिर दो नेकलेस आपस में उलझ जाते हैं, ऐसे में उन पर बेबी पाउडर छिड़क देना चाहिए, इससे ये आसानी से खुल जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी भी नेकलेस या फिर चेन आपस में उलझ गई है तो आप बेबी पाउडर का यूज़ करिए, इससे आसानी से वो खुल जाएगी और टूटेगी भी नहीं। फ्रेंड्स,
टाइट पैंट जीन्स या फिर लेगिंग पहनने में आसानी करता है बेबी पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि पैंट या फिर लेगिंग पहनते टाइम पे पैरों से लेगिंग ऊपर नहीं चढ़ता है और हम जब उसे ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमारे स्किन पर रैशेस आ जाते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को स्मूथ बनाने के लिए आप पहले पैरों में बेबी पाउडर लगा लीजिए, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बेबी पाउडर से होने वाले फायदों के बारे में। इसीलिए आप भी बेबी पाउडर का यूज करिए और अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको और भी हेल्थ रिलेटेड और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mydailyhittips.in पर विजिट करें। वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।